जरिए स्कोर पहुंचता हुआ 51 पे। तो सातवां ओवर इस समय फेंका जा रहा है, स्कोर है 51 रन। तो यहां से 100 का आंकड़ा तो लगता है नहीं पार कर पाएगी टीम। इस बार अच्छा गैप तो ढूंढा लेकिन और मिस फील्ड की गई, हालांकि गेंद रुकी की नहीं, शायद चौका यहां पर इशारा आया, चौका बिल्कुल चौका है, गाड़ी चल रही है। लेकिन गेंद अचानक वहां पर उछली, वहां पर भाग्यशाली रहे उनके। इस ओवर में दाहिने हाथ से ओवर अधिकार दिशा इनके पास हुई और इस गेंद को उछाल कर खेलने की कोशिश, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं फिर से, लेकिन इस बार गेंद वहां पर रुकी है, किसी स्पॉट पर कर रुक गई, हालांकि शॉट में वो ताकत भी नहीं थी। और यहां पर यस दो रन अब मिलता हुआ, नहीं पहुंची थी गेंद, नहीं पहुंची, चल पहले फील्ड कर लिया गया वहां पे, चल जरूर चल रहा है, लेकिन शहबाज एंड कंपनी नहीं चाह रही होगी कि इस तरीके की बैटिंग हो, चाह रहे होंगे कि दो चार ऊपर से शॉट आए। बिल्कुल, जब देखिए रखी हुई है तीन ओवरों में कम से कम 30-40 रन बनाकर 100 रन के आसपास पहुंचना चाहेगी जरूर यहां से आजाद के लिए, और पहुंचने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन किस तरीके की गेंदबाजी होगी ये भी देखने वाली बात होगी। ये अच्छा गया था सरफराज का इस ओवर में क्या करते हैं जबकि विकास सामना कर रहे हैं, और इस बार बॉलर बैक ड्राइव यहां पर, लेकिन एक रणनीति तय की है, उसी तरह की गेंदबाज इनके पास लोअर है, लगता है कि कंधे में जान नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, दूसरी चीज यही हो सकती है कंधे में जान नहीं होगी, गेंद नहीं पहुंच पा रही वहां तक। चलिए इस बार अच्छा शॉट, लेकिन बहुत सुंदर कैच, बहुत सुंदर कैच, चलिए तैयार सरफराज सचिन के लिए, ऑफिसर के बाहर ड्राइव किया है, लगा तक खिलाड़ी जब तक खेल जाएंगे तो फील्ड के लिए मिस फील्ड चार रन होगा जरूर। फील्डर के सहारे से उन्होंने चौका जड़ा है, बिल्कुल इस समय मैं बताया था सचिन एक अच्छे और ये बात मैं बता दूं, इस समय सचिन देखना यह है कि सरफराज किस तरीके की गेंदबाजी अगली करते हैं, पैसे टकराई अपील ले बिफोर की लेकिन नकारते हुए उसे अंपायर, हालांकि आते ही दो चौके लगा चुके हैं, एक तो भाग्यशाली चौका कहा जाएगा जो फील्डर ने छोड़ा, लेकिन दूसरा शॉट काफी अच्छा था जो कवर पर लगाया था। जी हाँ बिल्कुल, और एक बार फिर से बहुत ही सुंदर स्टॉप खेला है, के लिए देखना यह है कि किस तरीके की बैटिंग करेंगे वो मैदान है, सीधे चलते हुए विकास के लिए, अब विकास को भी हाथ खोलना होगा, यहाँ पर अलग ही खेला है एक रन के लिए, अच्छी रणनीति कही जाएगी क्योंकि सचिन कोशिश नहीं उतार दो तो नजर आएगा, पहला छक्का था इस रिंग, बताया था आपको कि वो छक्कों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वैसे कुछ लोग उनको छक्कों का राजा भी कहते हैं, छक्का लगा दिए, तीन चौका और एक छक्का, 79 रन हो चुका है स्कोर, शॉट बॉल खेला है, जब तक कि उस गेंद को हैंड किया जाए, की तरफ से तीन छक्के पर 551 का पुरस्कार है, लगातार तीन छक्के मारने पर किसी भी खिलाड़ी के लिए 551 रुपए का हैट्रिक कोई भी हो, चौके की हैट्रिक हो, विकेट की हैट्रिक हो या छक्कों की हैट्रिक हो, वहां पर 551 रुपए का पुरस्कार है रियासत भाई की तरफ से, खान ब्रदर्स की तरफ से, और इस बार अच्छा शॉट 6 रनों के लिए, इस बार एनर्जी इकट्ठा किया था बल्लेबाज विकास ने काफी देर से इस तार में थे, लेकिन इस बार उन्होंने मौका ढूंढा और लेकिन वो महेश गेंदबाजी करते हुए हाथ भी नहीं लगा पाए, ऐसा लग रहा है जैसे सामने से मिसाइल आ रही हो, समझिए
महेश दानिया से राउंड द विकेट सचिन के लिए इस बार उछाल करके लाइफ स्टाइल अंपायर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए एक और चौका सचिन के बल्ले से निकलता हुआ जब से आए हैं रनों की झड़ी लगा कर रख दिया है। एक नए गेंदबाज आखिरी ओवर में आजमाए जा रहे हैं आजाद कितना भारी के लिए इस बार दौड़ते हुए और यहाँ पर सचिन का एक और प्रहार इस समय छह रनों के लिए। यार ये सचिन बल्लेबाज बिल्कुल सचिन की तरह जैसे खेल रहा है हर बार चौके छक्के मार रहा है तो सचिन का अपोजिट है बस मतलब लंबाई इसकी ज्यादा है सचिन थोड़ा मेरी तरह इक्यावन की तरफ जाएंगे किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं है दंगनाती हुई पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। चलिए इस चौके के जरिए 100 का आंकड़ा छूटी हुई है शीतला गज की टीम तो एक लंबा स्कोर यहां से और इस बार एक और तोहफा मिला है वहां पर खिलाड़ी जा रहा है लेकिन यहां पर 6 रन का इशारा आता हुआ आपने गिना कितने चौके छक्के मारे आप 5 चौके और 3 छक्के और आप नॉट आउट लौटे और आप एकदम आपकी बदौलत कम टीम ने एक मजबूती पाई क्या कहना चाहेंगे आप। बस यही 10 ओवर हमको पूरा खेलना था एक तरफ पकड़ के बाकी प्लेयर थे हिट करने के लिए। अच्छा आप ही वहाँ शुरुआत में हमको मिले थे। चलिए बेस्ट आप लग मेरा अच्छा काम किया आपके लिए थैंक यू सर। कितना रन बनाए 106 पर हम रोक सके हैं और अब आपकी बारी है yes. 9 ओवर में खत्म तो क्या। अच्छा हमारे बैट्समैन बहुत धाकड़ बैटिंग करते हैं हाँ। हमारे दोनों बैट्समैन 8 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। अच्छा अनिल ओझा सो दोस्तों यहाँ पर दोनों ओपनर तैयार हो चुके हैं और अब मैच शुरू होने वाला है। क्या नाम है आपका। और जामताली टीम के दोनों ओपनर जामताली जो है यहाँ पर मेजबान है और शीतलागंज जो है मेहमान है। 106 रन बनाए हैं शीतलागंज की टीम ने और स्ट्राइक पर है फिरोज नॉन स्ट्राइक पर महेश ओके बॉलर नेम फिरोज सचिन बॉलर नेम सचिन। सेकंड इनिंग यहां से स्टार्ट होती हुई सॉरी 107 रनों का सॉरी 107 रनों का सचिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप बल्लेबाजी में तो खूब जौहर दिखाया था दाना यार मुझे बाहर रहने के बाहर खाता खुलना बाकी और उनके टीम का भी खाता खुलना बाकी। सचिन पर यहां से ओवर द विकेट अगली गेंद के साथ उस गेंद का हल्का सब कुछ किया इसको सचिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी चाहिए और इस गेंद को खेला है थर्ड बॉल इस फील्ड की बारी बाउंड्री लाइन की तरफ रोक पाएंगे चार रन इशारा आता हुआ तो पूरा चौका आता हुआ इस चौके के साथ खाता खुलता हुआ फिरदौस का न केवल फिरदौस का बल्कि जामताली टीम का के सामने सचिन दाएं हाथ से ओवर द विकेट लंबा डग भरते हैं और सीधे खेला है एकदम बनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए सचिन इस ओवर में अगली बार हालांकि चौके की हाजिरी पर है उस गेंद को खेला है मैदान पर गेंद को फील्ड किया गया तब तक तेजी के साथ एक रन पूरा करते हुए ओवर का सिग्नल आता हुआ तो पहले ओवर के खात्मे के बाद स्कोर है इस समय 9 रन। तो हमारे बीच मौका है मैं आपको बता दूं सेफ्टी प्लस इंजीनियरिंग अफसर भाई की तरफ से 501 रुपए लगातार 3 छक्के लगाने पर यह है किस तरीके की गेंदबाजी करता है दाना अपने ओवर के फुल पास गेंद को छोड़ के खेला है वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है गेंद जारी बॉल आएगा बहुत ही खूबसूरत चौका यहां पर लगाया निश्चित तौर से जिस तरीके के बैटिंग की जरूरत है जामताली को उस तरीके की बैटिंग करते हुए यहां पर फुल दौर जो कि कैप्टन है जामताली के अब सर इस ओवर में अगली बार फ्री हिट गलती है उसके पे सीधे बैठ सके लंबा चेस करना पड़ रहा है कैप्टन है शीतला गज के तब तक कि उस गेंद को फील्ड करते मौका यहां पर बल्लेबाजों के पास एक रन हालांकि फिर रखते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट अंपायर के पास से होते हुए और जिस रन के बाहर जीत कर
इस बार वापस यहाँ जरूर किए हैं। अच्छा लगातार ऑफिसन के बाहर चिप्पा पकड़ कर गेंदबाजी करने की कोशिश और कामयाबी रहे इस बार। इसके मोहरत दिन आई है भाई, तो उनके कैप्टन आके कमेटी से जल्द संपर्क करें। लेकिन इस तरीके की छूट देंगे तो का उसका यहाँ पर निकलता हुआ फिर तो उसके बल्ले से ओवर का सिक्का लाता हुआ, तो यानी कि दो ओवर के अस्पताल पर बिना किसी दिक्कत के नुकसान पर स्कोर है 20 रन। दो ओवर में 20 रन स्कोर है, स्टिकी खाता खोल चुके हैं। अभी भी पावर प्ले चल रहा है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन को बिल्कुल बाउंड्री लाइन से चिपका कर रखा गया है किसी भी संभावित कैच के लिए। चौके की झड़ी लगाई थी यहाँ पर और इसमें तो वहाँ पर फील किया गया मिड ऑफ पर, कोई रन नहीं वहाँ। तो अब यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 10 रन के ऊपर रन रेट चाहिए। दो ओवर में तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बैटिंग की चलिए। शुक्रिया ललित जी का, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस गेम को खेला शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को जब तक फिर बॉल का सिग्नल। इस ओवर में सचिन ने अंकुश लगाया है, नकेल लगाई है। इस समय मंच पर आसीन हो चुके हैं बहुत ही सुंदर कैच यहाँ पर, तो महेश के पारी का अंत हुआ। पहला झटका लगता हुआ ओवर का सिग्नल आता हुआ, बहुत बढ़िया कैच, एक हाथ से लिया गया कैच था, बहुत ही बढ़िया। सचिन ने पहला विकेट भी लिया और लगता है इसके मैन ऑफ द मैच भी सचिन होने वाले हैं अगर ये टीम जीतती है तो। कितना कैसे कैप्टन है उधर बल्लेबाजी इस समय करते हुए जामताली के कैप्टन फुदोश मैदान पर खड़े, खिलाड़ी ने कैच टपका दिया, सीधे हाथ में गई थी ये। फुदोश जो कि एक खतरनाक बल्लेबाज है, उनका कैच छोड़ना देखना ये है कि कितना महंगा पड़ता है शीत लागत को। बता रहे थे इस मैच को लाइव टेलीकास्ट किए हुए हैं हमारे टीम के मेंबर अनिल ओझा शो के जरिए। अनिल भाई ओझा जी गेंद को प्ले कर दिया है, गेंद क्लियर से रिवर बची हुई, दोनों आपस में जुड़े गेंद को टैंक किया। ये जो क्षेत्र है ये डिक्लेयर है, पीछे यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर पीछे 2 रन ही मिलता है। हम लगा देंगे आप ऊपर पक्का फाइनल 5,000। यहाँ पर बोल्ड हो गए, ये बॉलर जिसने कैच टपकाया था उसी ने बोल्ड भी किया। चलो इसने एक विकेट गंवाया था और एक विकेट ले लिया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे टीमों को सीखना चाहिए कि अगर आप गलती करते हैं उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसा कला कौशल प्रदर्शन होना चाहिए कि आपको और आपको टीम का टीम के ऊपर विश्वास आपका बना रहे। आप एक गलती करते हैं तो भी टीम आपको इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि गलती एक मानव का स्वभाव है, और आप पे विश्वास किए, आपको बॉलिंग दिए, जो काम बड़े बड़े लंबे लंबे गेंदबाज नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर नए बल्लेबाज आते हुए कितना देर तक लड़ेगा, हालांकि सामने से लीड करने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। सचिन की गेंदबाजी का सामना करेंगे दाएं हाथ से राउंड द विकेट, और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ पर, जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक लंबा सचिन है फिलहाल, अगली गेंद उस गेंद को उठा कर खेलने की कोशिश काफी हद तक कामयाब हुए जरूर है, लेकिन गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए। अगला मैच होने वाला है अंपायर के पास के ऊपर बड़ा इनाम, जितने भी छक्के लगाते हैं 51 रुपए अब से माने जाएंगे। बोलिए यार एकमात्र खिलाड़ी अगर संतोष को छोड़ दिया, बेकार सच्ची गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर सफलता हासिल की। ओ यार फिर है आते ही छक्का मारा, सरफराज का बड़ा भाई है ये, तो बड़े भाई ने आते ही हाथ दिखाया है।
सचिन ने कैच किया और दूसरी गेंद पे आउट। सचिन के ऊपर ज्यादा कुछ निर्भर करते हुए इस समय शीतला गज की टीम और विकास इस समय फील्ड आउट के लिए और इस गेंद को खेला है इसको लेग बाउंड्री की तरफ जाते हुए जब तक कि उस गेंद को फील्ड किया जाएगा मौका यहां पर बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का। बड़े दौड़ रहे इस एक रन के साथ 50 पर पहुंचती हुई टीम चांदताली छठा ओवर चल रहा है। 106 बना है 107 चाहिए जी। 51 रन बन चुके हैं जामताली टीम के और ये 6 रन फिर से 57 रन बन चुके हैं। नफीस के एक और 51 होते जा चुके हैं और जिस तक के बाहर विकेट कीपर से चटकी 2 रन यहां पर लगभग क्लियर है ओवर द विकेट ओवर से 14 रन आए हैं। अब किसको गेंदबाजी के मुद्दे पर लेके आएंगे हालांकि ये मेगा ये रणनीति जो पहले 2 रन से करा लिए ये रणनीति थोड़ी सी गलत साबित हो सकती है। फाइनल ओवर विकेट कैप्टन के सामने कैप्टन और बाली की तरफ जाती हुई लेकिन वहां पर आउट रेज खराब है जिसकी वजह से यहाँ पर एक रन दूसरे रन के लिए पलटे बल्लेबाज पूरा करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज इस समय तैयार है खेलने के लिए शहबाज को ये विकेट का सकते हैं मैच है के लिए जी हाँ लगभग 90% तो मैच इनके झोली में आ चुका है जिस तरीके की बैटिंग अभी तक दिखाया है मुझे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था इसी समय बैटिंग करने के लिए आए हैं। देखना यह है कि किस तरीके की बैटिंग करते हैं शहबाज ताने हासे ओवर तरीके खुराक मिलने के बाद ताने और इस गेंद को खेला है इस गेंद की दिशा में एक रन मिलता है यहाँ पर बल्लेबाज है गरीब जो लंबा शॉट लगा देते हैं यहाँ से तो निश्चित तौर पर टीम बनी रह सकती है लेकिन और यहाँ पर चतुराई के साथ की गई हालांकि चालाकी एक तरीके से हो सकती थी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखा 12 गेंदों में 29 रन चाहिए जामताली टीम को ये मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 29 रन अब 11 गेंदों में 29 रन 4 गेंदों में 29 रन बनाने हैं और ये देखिए ड्राइव देखिए क्या होता है दस गेंदों में 28 रन और ये देखिए वाइट 10 गेंदों में 27 रन चाहिए और यहाँ पर 2 रन सेफ जोन से 2 रन मिलता हुआ जितेंद्र भाई जो सऊदी अरब से मैच देखते हैं दुबई और यहाँ पर रन आउट की अपील और आउट आउट बताएं कैसे लग रहा है आप लोगों को क्या पोजीशन है 8 गेंदों में 25 रन चाहिए मैं आपको बता दूं जीत जाऊंगा मैं हां और यहां पर अब 7 गेंदें बचे कमेंटेटर इस मैच में अब औपचारिकता मानते हुए और छक्कों की बस जरूरत है 4 छक्के चाहिए वहां पर हालांकि थोड़ा सा सिंगल से कुछ होते हैं गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई ये 2 रन प्राप्त किया बल्लेबाज उसमें सचिन की जो अपने फील्ड बिल्कुल रेडी रखते हैं विकेट कीपर को और बल्लेबाज की मुस्कुराहट आई है 5 गेंदों में 4 छक्के चाहिए और यहाँ पर अब 3 गेंदों में 4 छक्के चाहिए बिल्कुल एक्सपीरियंस कमी होनी भी नहीं और अब 2 गेंद पे 2 गेंदों में होता है तो इसके लिए पहले से ही सॉरी और ये मारे हैं अगले मैच के अंपायर हैं ललू उधर दूसरी टीम कौन है भैया और ब्रदर्स तो
और ये लगभग जीत चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल बात आजाद ने हमको फोन किया, बोले तफज्जुल भाई। और ये मैच शीतलागंज टीम ने बनाए, ये देखो कैप्टन साहब को देखिए, आपने जो अंत में आके जो आतिशी पारी खेली उसी की वजह से टीम जीती, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस मेरा वही रोल ही था, विकेट नहीं गिरा था।